नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काइन मास्टर में आप क्रोमा की कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि क्रोमा की आखिर क्या होती है और इसका यूज क्या होता है, इसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने काइन मास्टर खोला हुआ है और यहाँ पर प्लस का जो आइकॉन दिख रहा है, देख सकते हो बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे, सिलेक्ट एक्सपेक्ट रेशियो। तो यहाँ पर आपको एक रेशियो चूज करना है। अब जिस रेशियो में वीडियो बनाना चाहते हो, पहला वाला जो होता है यूट्यूब के लिए होता है, ये फेसबुक ये सब के लिए होता है, या इंस्टाग्राम ये सब के लिए होता है, तो हमें पहले वाले को चूज करना है क्योंकि हम यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। तो इसको ओके करते हैं। तो जैसे ही आप ओके कर देते हैं पहले वाले को, तो देखिए यहाँ पर मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद देखिए इस टाइप का आपको दिखाई देगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, लेयर, मीडिया, ऑडियो, वॉइस। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको क्रोमा की का यूज करने सिखाने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक मीडिया चूज करना है, यानी मीडिया में कोई भी आप वीडियो ले लो, तो वीडियो में ही ये क्रोमा की यूज किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर से एक वीडियो ले लेते हैं जो कि मेरी पुरानी कोई भी वीडियो है, तो मैं यहाँ पर उसको ले लेता हूँ। तो देखिए फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो ले लिया और ये वीडियो लेने के बाद अब क्या करना है, जैसे ये वीडियो हो गई मेरी है, अब इसमें क्रोमा की हमको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर अब देखिए आपको क्रोमा की कैसे यूज करना है। आप लेयर में जाइए, ठीक है। लेयर में जाने के बाद आप फिर से एक मीडिया चूज करना है, ठीक है। मीडिया जो है आपका ग्रीन स्क्रीन, जो आप पहले से आपको सेव करके रखना होगा, याद रखिएगा ग्रीन स्क्रीन का जो वीडियो है आपको पहले से सेव रखना होगा। तो वहाँ पर से फिर से जहाँ पर मेरा जो ग्रीन स्क्रीन है उसको खोजते हैं, देखिए मेरे वीडियो पे है। तो यहाँ पर मैं देखिए ये सब ग्रीन स्क्रीन है और यहाँ पर मैं अपना ग्रीन स्क्रीन चूज कर लेता हूँ। तो ग्रीन स्क्रीन मैंने चूज किया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जितना भी साइज में आपको रखना है, मान लीजिए आपको इतना में रखना है या यहाँ रखना है, जहाँ भी रखना है आप इसको ले जाइए। और उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है इसको, जहाँ तक आपको लेना है ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए राइट साइड में, तो देखिए यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक कीजिएगा, फिर इसको इनेबल जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा और सिर्फ ये रह जाएगा। तो आप इसको यहाँ से आप कहीं भी ले जा सकते हो। आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा नीचे करें या यहाँ करें, इसको चाहते हैं कि बड़ा करें, तो आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ग्रीन स्क्रीन। देखिए इसको प्ले करके देखते हैं, तो देखिए ये देखिए आपका सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला जो बटन आता है वो आ जाएगा, देखिए लाइक का भी बटन आ जाएगा। यानी यही होता है ग्रीन स्क्रीन, जिसका उपयोग हम लोग वीडियो को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। सब्सक्राइब का बटन आता है, बेल आइकन का बटन आता है, साथ ही साथ ग्रीन स्क्रीन का उपयोग हम लोग इसलिए भी करते हैं, आपका आपका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कहीं भी कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।